हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले सीएमसी कॉलेज के बारे में। मैंने सीएमसी कॉलेज पे मैं वीडियो बना चुका था, आप लोग को मैं बता चुका था कि सीएमसी कॉलेज क्या है नहीं है। बट फिर मेरे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भाई सीएमसी कॉलेज के बारे में वीडियो बनाओ, क्या है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आप लोग को सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सीएमसी कॉलेज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा सीएमसी कॉलेज पे जो और सब चैनल जो यूट्यूब चैनल है उस पे जो आप लोग को मिल जाएगा सीएमसी कॉलेज के बारे में। मैंने सबका वीडियो मैं देख चुका हूँ, तो उन्होंने वीडियो बनाया तो उस टाइम के हिसाब से उन्होंने वीडियो बनाया होगा। मेरे चैनल पे भी अगर आप लोग देखोगे तो आज से अगर एक साल पहले का वीडियो अगर आप देखोगे किसी भी कॉलेज के बारे में, मैंने बताया था इंडिया का टॉप बेस्ट 10 कॉलेज, मैंने वीडियो बनाया था उस पर। आज से एक साल पहले, दो साल, डेढ़ साल पहले मैंने उस पर वीडियो बनाया था, तो उस टाइम में वो कॉलेज सही था। आई थिंक उन्होंने भी अगर दूसरे चैनल ने भी अगर वीडियो बनाया है तो उस टाइम के हिसाब से उन्होंने ठीक बनाया होगा। बट अपडेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो कॉलेज का क्या है, कंपनी का क्या है कि वो हर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आप लोग को अपडेट इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। तो सीएमसी कॉलेज का क्या है कि इसमें सारे के सारे कोर्स होते हैं, मर्चेंट नेवी के ऑल ओवर टोटल कोर्स होते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म का कोर्स हो गया, शॉर्ट टर्म का कोर्स हो गया, DNS, BSc, BTech, ठीक है, DME, GME, ETO, GP रेटिंग, SCW, फायर फाइटिंग, सेफ्टी कोर्स, ऑल ओवर सारे के सारे कोर्स मर्चेंट नेवी के इस कॉलेज के अंदर होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जॉब्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, मीन्स अगर मैं स्टडी की बात करूँ तो स्टडी फैसिलिटी ठीक है, यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स ठीक ठाक है, फूड फैसिलिटी भी ओवरऑल आप एवरेज कह सकते हो, ठीक ठाक तो कह ही नहीं सकते हो, मतलब एक एवरेज कह सकते हो कि फूड फैसिलिटी भी यहाँ एवरेज ठीक ठाक मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट की तो जॉब यहाँ नहीं है, तो वो बंदे लोग यहाँ से कोर्स करना जिसका एक ये हो कि मेरे को जॉब मिल जाएगा, ठीक है, 100% जिसको जॉब की मतलब मीन्स कि किसी का कोई रिलेटिव हो, कोई रेफरेंस हो किसी मर्चेंट फील्ड में, तो वो बंदे लोग यहाँ से कोर्स करो, अदरवाइज यहाँ से कोर्स करने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसमें मीन्स जॉब नहीं है, मीन्स 40% जॉब कह सकते हैं, वो भी एटलीस्ट है, क्योंकि जो सिनर्जी कंपनी है पिछली वाली, तो सिनर्जी कंपनी ली थी कुछ स्टूडेंट को, मतलब जो टॉपर्स स्टूडेंट थे उस लोग को, बट एवरेज स्टूडेंट लोग को नहीं लेती है, तो जॉब्स का यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और जो IIMA हो गया चेन्नई साइड में और सब ये सब कॉलेज के बंदे लोग कोर्स करने के बाद घूम रहे मार्केट के अंदर में, तो यहाँ से वही बंदे लोग को मैं रिकमेंड करूँगा। अदर जो भी कॉलेज सब है, तो मैं आप लोग को बताया था ना, जो भी अभी जो आज से एक साल पहले, डेढ़ साल पहले जो कॉलेज सब थे मर्चेंट नेवी के, जैसे लाइक आपको BP मरीन हो गया, ठीक है, IIMA हो गया, CMC कॉलेज हो गया, तो वो सब आज से दो साल तीन साल पहले वो सब कॉलेज ठीक था, बट अभी के मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो सब अपडेट नहीं है, मीन्स कि उस टाइम में वो लोग जॉब प्रोवाइड करा रहा था लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि मैनेट कैसा कॉलेज है, ठीक है, तो मैनेट भी घटिया है, ये समझ लो कि मैनेट में प्लेसमेंट का दो पॉलिसी है। पहला पॉलिसी है कि अगर आपको मींस अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपकी जॉब्स थोड़ी मतलब जॉब्स का थोड़ा चांस बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब कॉलेज के अंदर थोड़ी पॉलिटिशियंस टाइप की होती है, तो उस हिसाब से आप लोग को देखना पड़ेगा। मींस कि मैनेट में यही प्रॉब्लम है कि अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो जॉब का थोड़ा चांस ज़्यादा है, और ये समझ लो कि थोड़ा बहुत पैसा लगता है जॉब के लिए, बट प्लेसमेंट सही नहीं है, ठीक है। 280 स्टूडेंट का बैच था जिसमें से ओनली 160 स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिला, वो भी किसी रेफरेंस के थ्रू, मीन्स कॉलेज के अंदर ही वो पढ़ रहे हैं, बट उसको भी अगर जिसका मान लो कि 70% है ऑल ओवर, ठीक है, या फिर 85% है, तो 70-85% को जॉब ना होकर 60% को 65% को हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई रेफरेंस लगाया होगा या फिर उन्होंने पैसा एक्सपेंड किया होगा, क्योंकि अगर प्लेसमेंट अगर कोई कंपनी देती है या फिर कोई कॉलेज देती है तो वो आपकी कटअप पे देखती है, वो आपका परसेंटेज देखती है, वो आपका इंटरव्यू लेती है, वो आपका CET लेती है, उसके बेसिस पे वो लोग जॉब प्रोवाइड कराती हैं। बट अगर किसी ऐसे वैसे बंदे को ले रहे हैं जिसका परसेंटेज कम है या फिर वो लोग अच्छा इंटरव्यू में नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग अगर वो कंपनी लेती है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कंपनी में चल रहा होता है। तो यही मैनेट के अंदर भी, यही CMC कॉलेज के बारे में भी है। तो CMC कॉलेज के बारे में सारा का सारा कोर्स होता है, ठीक है, टोटल कोर्स होता है CMC में, बट मेन प्रॉब्लम है जॉब्स का, यहाँ जॉब नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो कि CMC हो गया या फिर मैनेट हो गया
या फिर बीपी मरीन हो गया, ठीक है, या फिर आईएमए हो गया, ये सब कॉलेज में जॉब नहीं है अभी के मार्केट कंडीशन के हिसाब से, जॉब नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सब कॉलेज मैं किसी बंदे को रिकमेंड नहीं करूँगा जॉब करने के लिए। और जो बीपी मरीन है वो सब तो मीन्स आजकल कोई भी कॉलेज है वो बिजनेस कर रहा है, वो चाहता है कि बंदे से जितना ज़्यादा पैसा हो सके लेना है किसी तरीके से भी, ठीक है, चाहे वो ये फॉर्म की प्राइस है, चाहे वो लास्ट बीपी मरीन तो आई थिंक 10,000 रुपीज़ लास्ट में सारा कुछ कोर्स छोड़ने के बाद बोलती है कि ये पेपर का है वो पेपर का है, मतलब कुछ बहाना करके वो लोग 10-15 हज़ार रुपये लास्ट में ऐड लेता है। तो ये समझ लो कि उतना अच्छा कॉलेज ये सब नहीं है, पहले था, पहले ये सब कॉलेज भी ठीक था, जॉब भी लोग कॉलेज ठीक दे रहा था, लेकिन अभी के मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको स्टेबल रहना एक बहुत ही बड़ा एक चुनौती है इंसान के सामने में, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज है, इतनी सारी कॉलेज खुल चुकी है। तो अगर कॉलेज के पास पैसा है तो वो कंपनी को बुला लेती है, बट अगर कॉलेज के पास पैसा नहीं है तो वो कोई काम की नहीं रह जाती है, ठीक है। तो वही इसी कॉलेज में कोर्स करना जहाँ की जॉब 100%, जहाँ की गारंटी हो कि यहाँ से जॉब मिल सकता है, उसी कॉलेज से कोर्स करना, अदरवाइज़ कोई भी कॉलेज से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस, आप ट्राई करो, अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है तो आप 6 मंथ वेट कर लो, क्योंकि 6 मंथ के बाद फिर से एडमिशन स्टार्ट होगा, फिर आप कॉलेज में ट्राई करना, एडमिशन डेफिनेटली मिल जाएगा। बट 6 मंथ के वजह से अगर आपने किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहाँ से आप लोग को जॉब नहीं मिल रहा है तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखो। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और कोई भी कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट तो कमेंट करना। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।